तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं अपने शहर का आप लोगों का एक फेवरेट जगह घुमाने के लिए आया हूं। आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। फ्रेंड्स, यहां का इतना साफ सुथरा वातावरण है कि लोग सुबह और शाम को यहां पे वॉकिंग करने के लिए आते हैं। ओए, देख के भाई। फ्रेंड्स, हमारे पूरे झारखंड में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन यहाँ पे शुद्धता और ताज़ा हवा, पॉल्यूशन फ्री ज़िंदगी ज़रूर मिलती है। तो आप हमारे झारखंड ज़रूर घूमने के लिए आइए। आप यहाँ पे 2 से 4 दिन रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। हेलो आंटी जी, कैसे हैं? फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर जरा सा भी बैलेंस गड़बड़ाया तो सीधे गई भैंस पानी में, कहीं बचने का चांस ही नहीं। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। इसके वजह से थोड़ा सा हम लोगों को संभल के चलना पड़ेगा। दोस्तों, इस प्यारे से झील के अंदर में बहुत सारे खजूर के पेड़ हैं, उससे रस निकलता है जिसे हम नीरा या ताड़ी कहकर भी बुलाते हैं। और गर्मियों के मौसम में बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे उस चीज़ को, उस रस को पीने के लिए आते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है नीरा। जी हाँ, एक बहुत ही एक अच्छा चीज़ है ये। मैं आपको एक और बात बताना तो भूल ही गया, इस झील के अंदर में शुद्ध और साफ सुथरा मछली निकलती है रोज। मछुआरे लोग यहाँ पे अपना डेरा डाले हुए हैं, रोज यहाँ से पकड़ के मछलियाँ बेचती हैं। सुबह सुबह यहाँ पे फ्रेश मछली मिलती है। तो आप सभी को अगर मछलियाँ लेनी हो तो इस झील में आप लोग जरूर आ जाइए। ओ भाई, क्या कूल है, मज़ा आ रहा है। बहुत शुद्ध, नेचुरल, पॉल्यूशन फ्री जिंदगी हो तो ऐसी। देखिए दोस्तों, यही वो मछुआरों का यहाँ पे अड्डा है, जो जहाँ पे मछलियाँ मिलती है। तो यहीं पे आप लोगों को जहाँ गाड़ियाँ खड़ी है वहाँ से अपना मछलियाँ ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ आप लोग फैमिली के साथ आकर के मज़े भी ले सकते हैं। पार्क है एकदम सुंदर सा। यहाँ कुछ टिकटें लगती हैं, वो टिकट ले करके आप लोग अंदर जाइए। रेस्टोरेंट है, पार्क है, बहुत सारी चीज़ वहाँ पे देखने के लिए, घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए आपको मिलेगा। दोस्तों, हमारे पास टाइम नहीं था, इसकी वजह से हम लोग पार्क नहीं जा पाए। फिलहाल हम लोग अभी बाहर ही टहल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक और पार्क आपको नज़र आएगा। अभी आप भी फैमिली बच्चों के साथ आइए, देखिए यही वाला पार्क है। फैमिली और बच्चों के साथ आइए, अंदर में बहुत सारे झूले हैं, ट्रेन है, फाउंटेन डांस वाली बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। आप लोग सारे इंजॉय कीजिए। तो मैंने आपको अपने शहर का सुंदर सा झील घुमाया। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।